तो सेकंड मीटिंग के लिए भी यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे अभिभावक खड़े हैं, बच्चे निकल चुके हैं वहाँ से। देखिए सेकंड मीटिंग की छुट्टी हो चुकी है और सेकंड मीटिंग में कैसा रहा एग्ज़ाम उसका लेते हैं रिव्यू बच्चों से। जो सेकंड मीटिंग में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है कैसा हुआ है? बढ़िया हुआ सर, बढ़िया मस्त हुआ। पेपर कैसा आए थे, क्वेश्चन कैसे आए थे? क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सेंसिंग की मैटर थी उसमें। ठीक है, मतलब ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन? मैं कहूँ तो ऑनलाइन बेटर है। ऑनलाइन ऑनलाइन में दिक्कत हो जा रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। टाइम का कोई टाइम का इशू है? टाइम का अदर रिव्यू लेते हैं तो यहाँ पे जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में आपका कैसा हुआ है? बढ़िया हुआ। तो क्वेश्चन कैसे आए थे इसके, मतलब एवरेज थे या मॉडरेट थे? पेपर हार्ड आया दोनों से, मतलब जो लोग मैथ प्राथमिक सब अच्छा, जूनियर वाला हार्ड था, मैथ और साइंस जो दोनों लोग लिए थे, मैथ साइंस भी कठिन आया था, सोशल साइंस भी कठिन आया। जो सेकंड शिफ्ट है उसमें ऑफलाइन सही है कि ऑनलाइन? नहीं ऑफलाइन ही सही है, ऑफलाइन है क्योंकि आराम से देखने को मिलता है टाइम से, ऑनलाइन में स्क्रीन ज्यादा छोटी रहती है, पूरी अच्छे से देखने जाता है। मतलब देखा जाए तो ऑफलाइन बेहतर है? ऑफलाइन बेहतर है, बहुत चांसेस है पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा मॉडरेट है, टफ थे आज का पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा हुआ सेकंड शिफ्ट का पेपर भी, और यहाँ पे थोड़े से और रिव्यू ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ आपका कैसा हुआ है? बढ़िया हो गया। और कैसे आए थे क्वेश्चन, कैसे हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, क्वेश्चन अच्छे थे। ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन? ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, सब चीज़ समझने में आसानी होती है। तो लगभग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफलाइन को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।